नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 न्यूज में। मेरा नाम है सान्या। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ फटाफट खबरों पर। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की हिमास की निंदा, बोले हम स्पष्ट रूप से इजराइल के हैं साथ। अंडमान सागर में तड़के 3:20 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर रही 4.3 की तीव्रता। मणिपुर में सुबह सुबह लगे भूकंप के झटके, कांगपोकपी जिले में था केंद्र। इजराइल में घायल हुए नेपाल के 9 नागरिक, पीएम प्रचंड ने की हमास के हमले की निंदा। एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल पर हमले को लेकर सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों से बात की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में छेड़खानी से परेशान 2 बहनों ने की खुदकुशी। लेबनान की ओर से इजराइल पर फायरिंग, आईडीएफ ने दिया जवाब। सीबीआई की एक और टीम टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मिश्रा के आवास पर पहुंची। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के आवास पर सीबीआई की रेड। हरियाणा कृषि विकास मेला आज से, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में होगा आयोजित। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीबीएन 24 न्यूज। धन्यवाद।